सब कुछ हो चुकी है, लेकिन अब मैं इनको उठाऊं, सुबह के 7 बज रहे हैं और मुझे कहकर सोए थे सुबह जल्दी उठना, मैं जल्दी उठ गई, लेकिन ये लोग उठने का नाम नहीं ले रहे। बाप बच्चे, अज्जू तो उठ चुका है, उर्वा और साइन और विकी ये नहीं उठ रहे। उठो, हमें जाना है ना, उठो। चलो 7 बज रहे, उठ जाओ, निकलते निकलते हमारे 10 तो बज ही जाएंगे। तो जी चले, मैं इनको उठाती हूँ और आप देखें आगे की वीडियो। तो जी हम हैं पेट्रोल पंप पे और विकी यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं और पसीना देख लें क्योंकि हमारे गाड़ी का एसी खराब है, लेकिन ये बार हवा बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ हम हफीज स्वीट के पास, यहाँ हम नाश्ता करेंगे। चलो अकील भाई लोग आ रहे हैं, ये आ गई हमारी हलवा पूड़ी और इसकी पहली बार फर्स्ट टाइम खाएंगे ना इसकी हलवा पूड़ी, और चेक करते हैं कि कैसी है इनकी हलवा पूड़ी। कैसी लगी आपको हलवा पूड़ी यहाँ? अच्छी अच्छी सॉफ्ट है पूड़ी। नहीं अच्छा ही है भी, हमारे टेस्ट उसका लगा हुआ। कैसी अर्शद? सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है, सब खैरियत से ठीक ठाक है? तो दोस्तों आप होक्स में जा कर कलरी झील जा कर थक गए हैं, अगर थक गए हैं तो आपको एक नया पॉइंट बताते हैं कराची वालों के लिए, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, ज़्यादा दूर नहीं है, समझे आप कलरी झील ही जा रहे हैं, कलरी झील से थोड़ा सा अलग रास्ता है और उस जगह का नाम है काला पहाड़ भी कहते हैं और डोरी पॉइंट भी कहते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्ठा सिटी में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मकली है, ये मकली का कब्रिस्तान है और इसके सामने जो है मंदिर है और ये जो है ठट्ठे का हाईवे है। हम जाएंगे कलरी झील की तरफ और कलरी झील के रास्ते में ही आएगा हमारा पॉइंट काला पहाड़, डोरी पॉइंट, दोनों नाम है उसके। एक गांव है खूबसूरत सा, कलरी झील का पॉइंट है वो भी, तो वहाँ चलते हैं जाके देखते हैं कैसा है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तारीफ़ें बहुत सुनी है तो जाके देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। हमारे साथ अकील भाई हैं, वो आगे निकल चुके हैं, तो चले हम भी टाइम को ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। ठट्ठे का बाजार है ये, यहाँ ट्रैफिक बहुत है, स्टॉप है ना, बस स्टॉप है। कोई लपड़ी वाला आएगा तो वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, यहाँ लपड़ी मिलती है। हाँ ये रे रबड़ी। विकी ने बहुत बार खाई है यहाँ की रबड़ी। नहीं भाई, मैंने एक बार भी नहीं खाई। नहीं खाई आपने? मैंने एक बार भी नहीं खाई। बहुत पसंद है विकी को यहाँ की, सुना है ठट्ठे की लबड़ी। वही रास्ता लेना है ना जो कलरी झील के लिए है? हाँ सेम रास्ता है कलरी झील का, आगे जहाँ से हमें टर्न होना है वो जगह खाली हमें पॉइंट करनी है। और मौसम ये देखें, काले काले बादल, ऐसा लगता है कभी भी बारिश हो सकती है। तारीफ बहुत सुनी है, गए नहीं है कभी, जाके देखें किस तरह का है। पूरा पक्का रोड नहीं है, थोड़ा रेतीला है, रेत वाला रोड है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके निकले हैं घर से और अल्लाह साथ है, इंशाल्लाह खैरियत से पहुँच जाएंगे और अपना पॉइंट भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे और अच्छी से पिकनिक इंजॉय करेंगे और आ जाएंगे। तो इस बात पे लाइक कर देना, कमेंट्स करके बताना कि वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब कर देना। देखिए यहाँ लकड़ियाँ इतनी सारी कि लकड़ियों को जलाते हैं, ये जलाने के लिए होती है ना, खाना पकाने के, यहाँ गैसें तो होंगी नहीं ना घरों में। अच्छा ये देखिए कितनी सारी लकड़ियाँ। तो ये मस्जिद आ चुकी है, जामा मस्जिद छलिया, सही है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे, रास्ता लेफ्ट हो रहा है, इस मस्जिद को क्रॉस करेंगे हम और रास्ता लेफ्ट साइड टर्न हो रहा है, हमें उस टर्न में चले जाना है, तो ये पॉइंट मिस नहीं करना वरना कहीं और निकल जाएंगे। कैंजर लेक अभी आगे है इससे, लेकिन हम कैंजर लेक नहीं जा रहे, काला पहाड़ जा रहे हैं। तो ये जामा मस्जिद छलियाँ की जो है आप निशानी रख लें, ये देख रहे हैं बहुत बड़ी मस्जिद है यहाँ की, और इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड रोड आएगा, हमें वहाँ जाना है। तो देखते रहिए वीडियो को, मिस मत कीजिएगा वरना कहीं और निकल जाएंगे आप, थोड़ा ही आगे जाएंगे तो रास्ता आएगा।
देखें ये आ गया ना साइन बोर्ड, हमें यहाँ टर्न होना है। बस अब ये रास्ता जो है अंदर लेके जाएगा हमें और हम जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं हा? तो जगह कहाँ है गाड़ी में? ये बाइक को लेके जाएंगे? नहीं नहीं, हमें बिठाएंगे कहाँ? बाइक वाला पीछे आ रहा है बना, रास्ता है नहीं, पता नहीं चलेगा, बारिश की वजह से दूसरा बनाया गया है। तो तुम्हारे पास कोई गाड़ी माड़ी नहीं है क्या? तुम्हारे पास कोई गाड़ी माड़ी नहीं है? मेरे पास बाइक नहीं है। नहीं तो हमें पता है हमारी गाड़ी में जगह किधर है? नहीं 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 नहीं, हम पता है, चलो रास्ता तो वैसे पता है, देख लेते। नंबर ले जाओ उधर बंदे हट वाले का। भाई इस तरह का रास्ता है और ये कौन सा पॉइंट है? ये इनका अपना पॉइंट है। भाई रोड कंडीशन तो थोड़ी खराब हो चुकी है, जैसा वीडियोस में देखा था इस तरह तो नहीं है। जाते हैं कहाँ तक हमें ऐसा रास्ता मिलता है। भाई ये बंद क्रॉस कर लिया हमने, अब बंद क्रॉस कर लिया, तकरीबन 10 किलोमीटर तक स्ट्रेट ही जाना है इसी रास्ते से, कहीं पर भी टर्न वन नहीं होना है। जहाँ टर्न होना है वो मैं रास्ता आपको बताऊंगा पॉइंट। और यहाँ पर कॉर्नर पर बैठे होते हैं बंदे गाँव वाले, वो बोलते हैं कि हम लेके जाते हैं, अगर आपके पास जगह है आप उनको ले जाना चाहते हैं तो ले जाए। हमने तो मना कर दिया, हमने मना कर दिया क्योंकि हमारे पास गाड़ियों में जगह नहीं है, तो कहाँ बिठाएंगे, और उसके बाद मोटरसाइकिल भी नहीं है। इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, एक बार पहुँच जाएंगे तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा यहाँ टर्निंग वर्निंग आती है, लेकिन आपको सीधे रास्ते पर ही जाना है कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, बाकी आपको कहीं इधर उधर टर्न नहीं हो जाना है। लोग नहा भी रहे, इतनी बड़ी नहर है। तो भाई साहब रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, काम हो रहा है, मैंने कहा था ना रोड बनवा दूंगा, मैं बनवा रहा हूँ रोड। मैंने रोड बनवाने का ऑर्डर पहले दे दिया था, लेकिन साले बहुत स्लो काम करते हैं यार। देखे अभी तक इन्होंने खाली रोड को सीधा ही किया है, अभी तक इसके ऊपर टारकोल नहीं डाला है, एस्फाल्ट नहीं करा है, तो इंशाल्लाह ये भी कुछ अरसे में बन जाएगा। पैसे खा गए होगे ना आप? हैं? पैसे खा गए होगे ना? मेरी वीसी का इंतजार कर रहा था, मेरी वीसी खुलेगी तो मैं इसके ऊपर पक्का करवा दूंगा। तो अभी आगे जाके एक और पॉइंट आएगा जहाँ पे तीन रास्ते हो जाएंगे, तो हमें तीन में से एक चुनना पड़ेगा। तो वो कौन सा रास्ता है मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह आप बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएंगे डोरी पॉइंट काला पहाड़, और फिर वो पॉइंट जाके हम देखते हैं अपनी आंखों से किस तरह का है और कैसा है, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखा तो उन्होंने तो बहुत अच्छे से दिखाया भाई ने, लेकिन अब हम खुद आंखों से जाके देखें, खुद एक्सपीरियंस करता है बंदा तब पता चलता है कि क्या बनी क्या जगह है। तो बस चल रहे हैं और आपको दिखाते हैं, तो कहीं पर भी टर्न नहीं होना है। वीडियो में मैंने दिखाया है कि सीधा ही जाना है, जहाँ पे टर्न हो रहा होगा मैं खुद आपको पिन करूँगा कि यहाँ पे टर्न कर रहे हैं, वरना जैसे जाना है रास्ता मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। तो देखते रहिए रास्ता, मौसम बहुत खुशगवार है, हवाएं चल रही है। तो भाई साहब एक ये पॉइंट है कि यहाँ से ये सड़क जो है जो बन रही थी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ये ऊपर रह गई है क्योंकि ये अभी बन रही है तो इस पर काम रुका हुआ है, आगे जाने नहीं दे रहे। तो उसके साथ ही जो है कच्ची सड़क नीचे से जा रही है, तो हम इसके साथ नीचे से जाएंगे, सेम रास्ता है, लेकिन जब बन जाएगी तो फिर वो पक्का रास्ता है। आप ये नहीं सोचना कि हम चले जा रहे हैं, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने चलते रहना है इसके साथ ही। और ये सड़क भी जो है कट के इसी के साथ ही मिलेगी और हमें इससे टर्न होना है। ये ब्लॉक लगे, ये वाइट चौक लगाए हुए ना इन्होंने हमारे लिए लगाए। भाई स्ट्रेट आके बिल्कुल जो है ये पॉइंट आ जाएगा, इधर स्पीड लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है 20 किलोमीटर का। यहाँ से दो रास्ते हो रहे हैं, हमें लेफ्ट साइड वाले पे टर्न होना है और हमें इस तरफ नहीं जाना, लेफ्ट वाले पे जाना है। और वो लड़का मिला है, मुकामी है, तो उसने बोला मैं आपको ले जाता हूँ, तो हम भी इसके पीछे भी चल रहे हैं। वैसे रास्ता समझ तो आ गया है,
हम इसके पीछे भी जाते हैं और ये रास्ता अंदर लेफ्ट होता है गाँव की तरफ, और आगे जो है कोई प्रोजेक्ट रोड का ही जो काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसकी मैनेजमेंट का सारा साइड एरिया है। बाकी उस गांव का रास्ता ये आ गया, ये देख रहे हैं इस तरीके का रास्ता है। यहाँ से भी तीन रास्ते जाते तो हमें बीच वाले में जाना है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना है, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं घबराना है, बस हाँ मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आ जाऊंगा, फटाक से आ जाऊंगा। बस ये झाड़ियों के पीछे आपको वो गांव दिखेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। ये नहीं समझना कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह अच्छी जगह ही जा रहे होंगे। और हमारे पीछे जो गाड़ी आ रही है वो भी यही समझ रहे हैं कि कथा नहीं कहाँ लेके जा रहा है, आगे जाके बोलेगा चलो किडनियाँ निकालो अपनी। ये देखे ये आ गया आपका 1 2 3, ये है काला पहाड़। देख रहे हैं फर्स्ट लुक इसका, ऐसा लग रहा है कोई बाग है। और ये देख रहे हैं पॉइंट, हम तो वहां सामने जाएंगे, इधर कोई भी नहीं है। और ये देखें माशाल्लाह, देखें आवाम, देखें आप खाली आवाम देखें, वहां देखें। तो चलें आपको रुक के सही तरीके से पॉइंट दिखाते हैं, यहाँ जाने इधर कोई भी नहीं है, सही तरीके से आपको पॉइंट दिखाते हैं। और माशाल्लाह कितना खूबसूरत गाँव है जी। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं काला पहाड़, और ये है जो है काला पहाड़ भी कहलाता है, डोरी पॉइंट भी कहलाता है, और बहुत ही खूबसूरत किनारा है। देख रहे हैं एक तो मौसम शानदार हो रहा है, जिस वजह से ग्रीनरी कुछ ज़्यादा इसकी निखर के सामने आ रही है। और यहाँ हमारी फैमिली और खड़े हुए हैं, दाढ़ी हमने यहाँ लगाई है, यहाँ बोटिंग भी होती है। ये बोट वाले वही कलरी झील वाला हिसाब है, बोट में हमें थोड़ा चक्कर वक्कर खिलाते हो। बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं और ये तो सब सुबह से आए हुए होंगे, हम तो अभी पहुंचे हैं, तकरीबन 1:30 बज रहा है अभी। तो भाई अरीज क्या कहना चाह रहे, क्या कह रहे हो? इस जगह पे वहां देखो इतना गंदा जंगल है, आज तक जंगली जल्दी, हाँ, और उसके ना आगे जाके इतनी साफ जगह, हाँ, पीछे से हमें ऐसा लगता है कि हम ये कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, और हम कोई गलत तो नहीं जा रहे। बिल्कुल अजीब सा एक वो लगता है कि इतना गलत रास्ता जा रहे हैं हम, बिल्कुल कच्चा और झाड़ियों के अंदर, जंगल के अंदर, के बिल्कुल आदमी के जहन और गुमान में भी नहीं हो कि पीछे ऐसा खूबसूरत जन्नत नज़ीर एक नज़ारा है। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है, और यहाँ तैयारियाँ हो रही हैं, बिछा रहे हैं और बैठने की तैयारी हो रही है। फिर हम लोग साथ में खाना वगैरह भी लाए हैं, आज कुकिंग मेरे ख्याल से नहीं करेंगे क्योंकि सिलेंडर है साथ, चाय वगैरह ही बनाएंगे, बाकी कुकिंग वगैरह नहीं करेंगे। और फिर आपको जो है अच्छे से इसकी पॉइंट की तरह सही से विजिट कराता हूँ। यहाँ वॉशरूम भी है, पब्लिक वॉशरूम भी है, जो है साफ सुथरे हैं, पैसे वगैरह लेके जो है कपड़े चेंज करने के लिए, और इसके अलावा आपको वॉशरूम यूज़ करने के लिए भी ये सहूलत मौजूद है। तो अब जो है मैं जाता हूँ फैमिली के पास, और फिर आपको मैं अच्छे से इसका एक और विजिट करवाता हूँ, और हम भी पानी वगैरह में जाते हैं, थोड़ा चिल करें भाई, इतना सफ़र कर कर आए हैं कराची से। तो कराची वालों, आपके लिए ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है, अगर आप अभी तक यहाँ नहीं आए तो जल्द आएँ यहाँ पर, क्योंकि कलरी झील, हॉक्स बे, गडानी, ये जगह जा जाके सी व्यू वगैरह जाके अब थक गए होंगे। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा एक नया पॉइंट है, जिनको पता है वो आते हैं, और ख़ासकर जो ये कोस्टर वाले होते हैं ना, इनको ज़्यादा पता होता है तो ये लेकर आते हैं। जिनकी अपनी गाड़ियाँ होती हैं वो इतने जल्दी नहीं आते इधर, क्योंकि उनको पता नहीं होता रास्ता वगैरह। तो लेकिन अब आपको इंशाल्लाह रास्ता पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और यहाँ आइएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो चलें फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो देखते रहिए वीडियो। ये बच्चे घुस गए पानी में और मज़े कर रहे हैं, ये देखें साहिब, पुरवा, हरी, रदियान, जुनेद, सब पानी में घुस गए हैं और मजे कर रहे। हमने जगह थोड़ी चेंज कर ली अपनी, हम थोड़ा आगे रुके हुए थे, मैंने शूज उतार दिए, शूज पहन लूं। हम लोग वहां रुके हुए थे, लेकिन वहां ये जो बैठे हुए हैं ना, ये लोग, इन्होंने आकर कहा कि यहाँ पर जो है थोड़ा जमीनों के तनाजे हैं, तो ये जगह फैसले में नहीं आई है कि किसके हिस्से में, तो आप या तो उस तरफ बैठे या इस तरफ बैठे। तो हम लोग फिर एक साइड पर हो गए, यहाँ ज़्यादा पब्लिक है, हम लोग इस तरफ आ गए। और यहाँ बैठने के
ये लोग पैसे लेते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हमारी प्राइवेट ज़मीन है और इनको ज़मीन के अपने जो है खुद के पैसे लेते हैं ये इस चीज़ के, कि इनकी प्राइवेट ज़मीन है, इनकी ज़मीन के ऊपर आप आए, उन्होंने खुद ने एक पिकनिक पॉइंट बनाया तो चले पैसे ले लें, लेकिन ये 2-3 हज़ार की बातें करते हैं, लेकिन 2-4 सौ 5 सौ में आप इनको मनवा सकते हैं। तो भाई साहब ये है पॉइंट, और बच्चे माशाल्लाह चिल कर रहे हैं। ये सोहेल भाई का बेटा है सुहान, पुरवा और अरीज, साइन, अदियान, बाकी जो भाई साहब ये जो आदमी नज़र आ रहे हैं पानी में, ये थोड़ा जो है गहरा है, बाकी इस तरफ थोड़ा सही है। और सब माशाल्लाह सारी फैमिलीज आती हैं यहाँ पर और सब अच्छे से चिल कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत ग्रीन फील्ड और एक बहुत अच्छा सा मेडो टाइप का लगता है, जैसे लगता है हम नारायण आ गए, नारायण कागान जैसा लगता है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी और ये बोट आ गई बीच में। यहाँ पर भी जो है बोटिंग वाला केंजर झील वाला सिस्टम है, बोट पहले नहीं था, अब यहाँ पर भी है। जब से फेमस हुआ है ये पॉइंट तो यहाँ पर भी ये सारे सिस्टम शुरू हो गए। अब मैं भी जाऊँ फैमिली के साथ बैठता हूँ, थोड़ा गपशप करें, तो फिर अगर हुआ तो पानी में जाते हैं थोड़ी देर, हम भी अपने अरमान ठंडे करें और फिर इसके बाद यहाँ से वापसी करेंगे। तो भाई रास्ता आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजीली समझाया है आपको रास्ता, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस स्ट्रेट ही जाते रहना है। बस एक जो टर्निंग पॉइंट है ना छलियाँ, जामा मस्जिद छलियाँ से, वो पॉइंट को याद रखना है, वहाँ से आपको अंदर इंटर होना है और वहाँ कॉर्नर पर बैठे होंगे बंदे जो कहेंगे कि हम आपको ले जाते हैं, क्योंकि रास्ता बारिश की वजह से ख़त्म हो गया ये वो, तो उनकी बातों में ज़्यादा नहीं आइएगा। रास्ता पूरा सही है, बिल्कुल बना हुआ है, आप आराम से आ सकते हैं। तो वीडियो को फॉलो करें जब तक, इंशाल्लाह अगर रोड बन गया तो सही है, रोड नहीं बना तो आप इसी रोड को फॉलो करते इसके साथ कच्चे पे चल के आप यहाँ पहुँच सकते हैं, तो बेकार में किसी के चक्कर में नहीं पड़ना और यहाँ आ जाइएगा आराम से, तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छा पॉइंट देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ 2-5 सौ दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई बहुत खूबसूरत जगह। तो हम चिल करते हैं फिर आपसे मिलते हैं बाद में। मौसम देख रहे हैं माशाल्लाह, ये बादलों और ये मौसम की वजह से जगह कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, वरना यहाँ भी कलरी झील जैसा जो है ना धूप का सिस्टम होता ना तो सही का VIP हो जाता अपना, तो ऐसा VIP किस्म का तिक्का ग्रिल हो जाता अपना। अब ये औरतें जा रही हैं खुदकुशी करने, लड़कियाँ सन्नी छोरी उड़ती हूँ पानी में भाई। अभी ये लड़कियां जा रही हैं पानी में और हम जो है चौकीदारी कर रहे हैं थोड़ा बीच में। ना ना इच्छू ऐसा छोरी हुई हूँ, औरतें जा रही हैं और इनकी मिस भी आ रही है पीछे से, मैडम इनकी। बहुत जबरदस्त यार, छोटा नारायण है बिल्कुल, है वाकई में नारायण जैसा। नारायण में जब अपन मेडो उधर उतरते ना लेक उसके पास पानी के पास दरिया के पास, तो ऐसे ही इस तरीके का ही माहौल दिखता है, हरी हरी घास, ठंडी ठंडी हवा और ऐसा खूबसूरत सा पानी। तो बहुत जबरदस्त जगह है भाई, शानदार, ऐसा वसूल जबरदस्त व्यू चेक करें यार, क्या जबरदस्त व्यू है। और ये अकील भाई आते हुए, ये हमारे अकील भाई फुल तमिल फिल्मों के हीरो की तरह चप्पल पहन के पुष्पा बने हुए। ये हमारे अर्शद भाई बीवी को टोपी देकर आ गए बीवी अम्मी के घर रुकने गई है और ये हमारे साथ आ गए हैं, उसको पता भी नहीं है। आज ये देख लें इनकी शक्ल, फिर मैं आपको कल की इनकी फोटो दिखाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर, तब आपको पता चलेगा कि क्या इफेक्ट पड़ा है इनके ऊपर आने का तो भाई यहाँ आना हो तो बीवी को साथ लाएं या बीवी को बता कर आए, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, आपको बख्शेगी नहीं बिल्कुल भी। और व्यू चेक करें यार, क्या जबरदस्त। और इसके अलावा जो मौसम बना हुआ है, ये बादलों ने जो सीन बना दिया है, ये तो बिल्कुल शानदार भाई, बहुत बहुत ही आला यार। बहुत सारी फैमिलीज आई हुई हैं और ये तो कब से आए हुए होंगे, सुबह से 9-10 बजे से। बाकी ये पॉइंट जो है, अगर हम कराची से आ रहे हैं अपनी कन्वेंस से अपनी गाड़ी से, तो हम यहाँ पर आ सकते हैं तकरीबन 11-12 बजे भी, अगर यहाँ पहुँच जाए तो बहुत अच्छा टाइम है, वरना आप 1 बजे तक भी आ सकते हैं,
लेकिन इससे ज़्यादा लेट नहीं करें क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा लेट से अच्छा है कि आदमी 10-11 बजे घर से निकले तो 2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। जब धूप हो ना तब अंदर इस तरफ आदमी बैठ जाए, जैसे ये छोटा सा दरख्त बना हुआ है यहाँ पर बने हुए, पर वही मसला खाली एक यही है इधर, तो वही अपनी आवाम गंद फैलाने में माहिर। हमने किसी को नहीं बख्शा, हमने किसी को नहीं बख्शा। हमें पता चल जाए कि यहाँ कोई पॉइंट है तो पहुँच जाएंगे हम गंद फैलाने। पता है लेकिन रास्ते की वजह से शायद नहीं आते, और गाड़ियों वालों का भी कुछ होगा जो रोड शुरू में बहुत थोड़ा ऑफ रोड है तो इस वजह से लोग अवॉइड करते होंगे। झील तो बिल्कुल यही ना, इधर देखो तो सही भाई, बहुत बहुत लोग आते हैं और फेमस पॉइंट हो गया है। बहुत से लोगों को नहीं पता है और बहुत से बहुत ज़्यादा लोगों को पता है, तो वो लोग आते हैं यहाँ पर, इंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, और हम भी आए हुए हैं, हम भी पार्टी कर रहे हैं और नज़ारे इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो भाई आप लोग भी अब तैयारी कर लें आने की और पिटने के लिए तैयार हो जाओ, आप तो घर जाके पिटोगे। देखे भाई, सोहेल भी अपनी बेगम को लाए, अकील भाई बेगम के साथ आए, मैं भी अपनी बेगम के साथ बच्चों के साथ आया हूँ। ए ये आदमी धोखा देकर आया, ये चीता है लेकिन चीती से ही पिटेगा, इसको कोई नहीं मार सकता, वो चीती है ना वही मारेगी। तो भाई चीता चीती से पिटेगा। ये बोट वाले की हरकतें देखें आप किस तरीके से कर रहे हैं, और फिर अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आए तो जिम्मेदार कौन। और जो फैमिलीज बैठी हुई हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा इसको अरे भाई यहाँ से आइसक्रीम मिल रही है, हमने आइसक्रीम ली है। भाई पानी में आ चुका है, वो बहुत ही बड़ा पानी है, और अर्जुन नहीं, अर्जुन अर्जुन नहीं, नहीं मारेंगे हम, बचा लेंगे तुझे अर्जुन, नहीं हम बचा लेंगे तुझे यार। भाई ये व्यूज़ हैं और ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से गाड़ियाँ एंटर होती हैं, और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा हरा भरा और ख़ूबसूरत सा ऐसा लगता है कोई बाग है, ग्राउंड है, लेकिन आप तसव्वुर भी नहीं करेंगे ग्राउंड के सामने ऐसा दरिया है। और ये कलरी झील का मीठा पानी है, कराची वालों के लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे हिसाब से इससे खूबसूरत पॉइंट नहीं है। इसको अगर हम छोटा नारायण कहें तो गलत नहीं होगा, कराची वालों के लिए इसका नाम नारायण ही रख देते हैं, छोटा नारायण। माशाल्लाह ऐसी हरियाली और इतनी खूबसूरती, कराची वालों के लिए तो समझो जन्नत है। ये दरख्तों से जो ये बना हुआ है इसका, और यहाँ पर भाई लोग पिकनिक कर रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की। देखिए ये इधर से छोटा सा नैरो सा रोड है टूटा हुआ,
लेकिन काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ ही अरसे में काम हो जाएगा। फिर आराम से कराची वाले, पाकिस्तान के हर शहर वाले यहाँ आ जा सकेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत पॉइंट है, इन एक छोटा सा जंगल बना हुआ है और बहुत सी यूनिक किस्म के जो है वो हैं झाड़ियाँ निकली हुई हैं। ये जंगली झाड़ियाँ हैं लेकिन ऐसे खूबसूरती से इनको वो करा हुआ है, ये किसी ने करा होगा ना इस तरीके से इनकी सेटिंग। हमारी गाड़ियाँ तो बहुत दूर खड़ी है, वो आपको दिखाऊँ वहाँ खड़ी हुई है, वो रही ये हमारी गाड़ियाँ और हम खड़े हैं यहाँ और हम इंजॉय कर रहे हैं व्यूज़ को। बच्चे पानी में हैं और वहाँ फूल लगे हुए हैं अच्छे अच्छे से, दूर से मुझे दिख रहे हैं। हम ये फूल देखने जाते हैं भाई, आंखें ठंडी हो गई ये नज़ारे देख के, सुभान अल्लाह भाई। सोचा भी नहीं था कि इतनी खूबसूरत जगह होगी, देखा था सुना था अच्छी जगह है लेकिन इतनी खूबसूरत होगी ये नहीं सोचा था। माशाल्लाह भाई, उम्मीद से बढ़कर खूबसूरत है भाई, मेरे को तो मज़ा आ गया भाई, पैसा वसूल है इंशाल्लाह। और भी जो है जब यहाँ रोड बन जाएगा तो नेक्स्ट टाइम दोबारा आएंगे। अब कल्ली झील को भूल जाओ और काला पहाड़ छोटे नारायण पे आ जाओ। यहाँ फैमिलीज हैं तो मैं यहाँ वीडियो थोड़ा डाउन कर देता हूँ। ये तो मौसम बहुत अच्छा है इसलिए हमें कुछ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, अगर गर्मी हो तो थोड़ा जो है इंसान को वो लगे कि बहुत गर्मी है, लेकिन इनके लिए दरख्त लगे हुए हैं, हट बने हुए हैं, आप हट लें और हट लेकर भी आप यहाँ पर अपनी पिकनिक करें। ये नहर का पानी है, यहाँ से आके झील में जा रहा है, वाह भाई वाह, क्या नज़ारे हैं, अनएक्सपेक्टेबल। कराची में, कराची के करीब देखो तो सही, कराची से तकरीबन 90 किलोमीटर बनता है, 80-90 किलोमीटर। ये देखें भाई पॉइंट, व्यूज चेक करें आप यार, बहुत ही खूबसूरत। और ये पानी जो है वहाँ से नहर के ज़रिए झील में जा रहा है, वो वहाँ सीगल बैठा हुआ है, छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं सेम पानी के कलर की, और इतना साफ पानी है कि मछलियाँ आपको दिख रही हैं। तो इन्होंने डोर डाली हुई है, यहाँ से ये पानी जो है नहर की शक्ल में झील के अंदर जा रहा है और ये भी साफ शफाफ पानी है, ये छोटी छोटी मछलियाँ और होंगी। बच्चों को अगर यहाँ बिठा दे तो यहाँ भी मज़े कर लेंगे, कैसा पानी देखे कैसे जा रहे हैं। भाई साहब बहुत ही बढ़िया जगह है, सोच नहीं सकते इतनी खूबसूरत जगह है। छोटा नारायण है, नारायण वाकई में छोटा नारायण है। ये दरिया है कुनार और ये नारायण का जो है रिवर साइड है, यहाँ ग्रीन फील्ड है और वो ऊपर जो है KKH है और ये सिंध के अंदर है। सही है, ये सिंध सब कुछ सिंध के अंदर है और सिंध में भी कराची से बिल्कुल करीब तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर। तो भाई साहब मिस नहीं करें इस जगह को, गंदा होने से पहले आके देख लें। यूँ नहीं जब आप आए तो यहाँ पर खाली टेंट लगे हो और आपको ग्रीन ये घास नज़र आए नहीं और आप ढूंढते रहे कि भाई कराची फैमिली ने तो दिखाया था यहाँ ग्रीन ज़मीन थी, वो कहाँ गए, यहाँ तो पेम्पर उगे हुए दरख्तों पर। तो ये गंदा होने से पहले आप आ जाएँ और ये जगह को एक्सप्लोर करें, यहाँ पर मज़े कर लें, कुकिंग करें, खाना ला कर खाएं और यहाँ पर हट लें, वरना खुले में बैठ जाए, दरख्तों के नीचे बैठ जाए। बहुत ज़बरदस्त जगह है, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और ये बकर वालों की बकरियां,
भाई खाने की तैयारी हो रही है, सिलेंडर निकल गया है चाय बनाने के लिए और यहाँ सलाद बन रहा है तो हमारा सामान निकला जा रहा है। तो भाई साहब ये जो है अब खाने का टाइम शुरू हो गया है, दस्तरखान बिछ गया है। हम घर से बिरयानी बना कर लाए थे तो अभी सिलेंडर पे उसको गर्म कर रहे हैं और फिर जो है बिरयानी सर्व करते हैं और सब मिल के खाते हैं। सब अपने अपने साथ कुछ ना कुछ लाए हैं, जैसे अकील भाई लाए, सोहेल भाई लाए, तो मिलजुल के सब खा पी के यहाँ से एक अच्छी सी पिकनिक करके फिर निकलते हैं यहाँ से अपने घर की तरफ। तो भाई बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रहा और अब खाना खा के फिर यहाँ से निकलने वाली करते हैं। तो भाई ये बिरयानी है गर्म हो चुकी और अब सब माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। फिश भी लाए हैं सोहेल भाई, अकील भाई चॉप्स बना के लाए हैं। भाई अब मैं भी बैठूं खाना खाऊं, बिरयानी खाते हैं, बिरयानी बीफ बिरयानी। भाई ऐसे अच्छी जगह पर घर का खाना, वो भी बिरयानी, वो भी बीफ, बात ही कुछ और हो जाती है। फुल वीआईपी सीन हो जाता है अपने साथ तो नहीं। हमारे वीआईपी भाई जा रहे हैं, अमेरिका चले गए, पहुंच भी गए होंगे खैरियत से। हमारे वीआईपी भाई के लिए जो है बहुत सारी दुआएं और उनको भी बताएंगे कि बहुत अच्छा पॉइंट है, आप भी आए तो ये जगह ज़्यादा मशहूर हो जाएगी। तो भाई अभी हम खाना खाते हैं इतने खूबसूरत मौसम में और इतने ज़बरदस्त व्यू के साथ। तो भाई बिस्मिल्लाह करते हैं खाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा गोश्त लेते हैं, थोड़ी सी बोटी, थोड़े से चावल और सब मिलाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जबरदस्त बनाई है, वैसे अच्छी बनाती है लेकिन अभी कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ तो भाई खाना खत्म करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। क्यों उर्वा सही है, वो तो खाने तो बाद में हमको देख लेना, खाते वक्त पानी में होंगे। सही है, इनका प्रोग्राम तो खाने के बाद वापस पानी में जाना है और ये भटकती आत्मा खाना नहीं खा रहा है। खाना खाओ। भाई साहब चाय भी बन रही है, सारा इंतजाम है, कोई टेंशन की बात ही नहीं। तो बस भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं और वापसी में जो है छोटे मोटे क्लिप्स आपको दिखाएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, बच्चों ने भी अब खेल लिया होगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं वीडियो कैसी लगी, लोकेशन जाननी हो तो कमेंट्स करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें ये नाव आके ये से सुस्त हो गए, सो गए तीनों के तीनों। किस तरह सो रहे भाई, बहुत ही मजे बात है, यकीन नहीं आता ये ऐसे सेहरा जैसे इलाके के बाद वो इतना खूबसूरत। और ये भी बहुत अच्छा लगता है, ये सेहरा ये भी बहुत अच्छा है। और अब की अब जैसे बारिश हुई है ना हल्की हल्की जो कराची में मानसून की वजह से ये सब ग्रीन हो गया है। हाँ वरना ये वैसे ही सूखा होता है जैसा अपना सिंध का बलूचिस्तान का दिखता है हमें डेजर्ट टाइम पर। और बहुत मजा आया, वहाँ पहुँच कर तो बिल्कुल अलग है, नाराज नाराज। और ये पहाड़ी शहजादा भी हमारे साथ है, अकील भाई पहाड़ी शहजादा। इसमें मछली भी होगी, वाटर बोर्ड का लेट हाउस है ये सामने। अच्छा अच्छा, अरे वो लेट हाउस है ये डोर के लगते ना इलाके डोर। इधर भी नहाता हुआ है, सामने में नहाया हूँ, नहाने का है। सही सही। तो भाई ये जो है कलरी केंजर झील का पानी है, कलरी झील का, और ये कराची नहर है, पानी जो जा रहा है। पीछे गेस्ट हाउस है ये पीटीडीसी का। मेहरबानी साहब, बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। तो ये है जी नहर और यहाँ फिशिंग भी करते हैं लोग। ये इलाका कलरी झील के कलरी कहलाता है, उससे आगे डोर आता है जहाँ पे काला पहाड़ है।
तो ये पानी कराची को सप्लाई होता है कलरी झील का। देखें भाई क्या व्यू है, ये सारा कलरी झील का पानी है। और वो रही वो मस्जिद, और वो मस्जिद अब आपको दिखाते हैं। वो रही मस्जिद जो रोड से दिख रही थी, जामा मस्जिद छड़ियां कहलाती है। और यहाँ से अपन इंटर होते हैं, ये मस्जिद के आगे ही जो कट आता है ना छोटा सा, उसी से अब इंटर होते हैं और ये रोड आ जाता है। बहुत ईजी रास्ता है, सबके लिए एक्सेसिबल है, कोई ऐसा नहीं है, बस शुरू का थोड़ा पेच ऐसे, लेकिन सही है रास्ता, तो सही है, हर किस्म की गाड़ी आ जा सकती है, बाइकें आ सकती है, तो गाड़ी हाँ, रिक्शे आते हैं, बाइकें आती हैं।